उस बीमारी को किसी दूसरे के सामने शेयर नहीं करता शर्म के मारे। लेडीज को भी हो सकता है, जेंट्स को भी हो सकता है। आदमी जोर लगाता है वो मत से बाहर आ जाते हैं। चार तरह का तेल होता है इसमें, इसको गौमूत्र में भिगोया जाता है 5 दिन के लिए, चम्मच भर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथ कंट्रोल करता है, आयुर्वेद जड़ से ख़त्म करता है। मोस्टली लोगों को ये होता है। हमारे यहाँ काम, हमारी औषधियाँ अपने आप में एक गारंटी है। एक गिलास पानी को कम से कम 3 मिनट में पिए, जिन्हें हम इलिटेट कहते हैं ना, वो बड़े बहुत बड़े साइंटिस्ट। और इनका दवाई से मुझे लाख लाख शुक्रिया करता हूँ सब। राम राम जी। मोक्ष भूजल को झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पहुंच गई हूँ अटेली मंडी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। बवासीर का पा बहुत सारा पेशेंट ही मैं देखा हाँ, दर दर भटकता रही, काफ़ी एक एक दो दो तीन तीन साल तक बाकी आराम है, वो आवे कोनी है, फिर भी कठे ना कठे भी चीज़ों पर जूझता रही, परेशान होता रही। तो आज हरियाणा पहुँच गई हूँ और आज आप बवासीर है भी कोई इलाज नहीं, बा क्यों हुआ है भी के बारे में भी आप बतावांगा, और कोई इलाज कया मिला है, कठे मिला है, ताकि पेशेंट ही बात की बात पहुँचे और बाद में भी अपनी जो बीमारी है भी ठीक कर पाऊँ। अभी जो आ गए डॉक्टर साहब ही बैठे आप चाल से बैठे ही बाऊँ बातचीत है वो करांगा। राम राम। राम राम जी। अंकल जी, बवासीर है के चीज़ है बवासीर, क्यों है? बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिस पेशेंट को हो जाती है ना, वो उस पेशेंट को, उस बीमारी को किसी दूसरे के सामने शेयर नहीं करता शर्म के मारे। और ये लगभग 60-70% लोगों को जीवन में कभी ना कभी होता है, और होता किसको है, कम से कम 15 साल से ऊपर के 60-65 साल तक। लेडीज़ को भी हो सकता है, जेंट्स को भी हो सकता है। अब ये होता क्यों है, इसके क्या कारण है होने के, तो सबसे बड़ा कारण तो इसका है कब्ज़। हमारा पेट का साफ ना होना कब्ज़ सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में प्रेगनेंसी, मोटापा, फाइबर डाइट ना लेना, ये कुछ कारण है जिसके कारण से कब्ज़ बन जाता है। फिर उसको बढ़ा देता है पेशेंट धीरे धीरे अपने से, अगर वो ना घर वालों को बताता ना अपने यार दोस्तों से शेयर करता है, अगर वो बताए और शुरू से इसका ट्रीटमेंट ले, तो ये कोई ऐसी असाध्य बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं हो, दवाइयों से ठीक हो सकता है पेशेंट। अच्छा, मरीज ने कहीं पता लगेगा कि भाई मेरे बवासीर होगी, कहीं पे महसूस कर पाऊंगा? मरीज को ब्लड आना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है स्टूल के टाइम में, कभी कभी मवाद और ब्लड 1 से 2 चम्मच तक ब्लड भी आ सकता है उसमें, स्टूल जाते टाइम दर्द होता है पेशेंट को। तो इको ट्रीटमेंट क्यों है? हम तो शुरू में सबसे पहले ट्रीटमेंट उनको दवा देते हैं, पेशेंट की कंडीशन देख के वो किस पोजीशन में है उसको दवा देते हैं, दवा से उसको रिलीफ मिलता है। दवा के लिए मैंने ये सामने दवा रखी है आपके सामने, ये हम खुद तैयार करते हैं, अवेरिस्ट है, ये तेल है, ठीक है। 4 तरह का तेल होता है इसमें जो जख्म पे लगाने के काम आता है पेशेंट, ये काशी सादी तेल, जात्यादि, नीम का और चमेली का, 4 प्रकार के तेल मिला के ये औषधि तैयार हुई है। ये है अशोकली बटी, ये सुबह शाम खाने को देते हैं, बवासीर में काम आती है। ये ASB है, त्रिफला, गव्य त्रिफला, ये साधारण त्रिफला नहीं है, इसको गौमूत्र में भिगोया जाता है 5 दिन के लिए, फिर 5-7 दिन छाया में सुखाया जाता है, उसके बाद बनाया जाता है। साधारण पीछे मेहनत भी कितनी लगा है। ये पेट साफ करता है, कब्ज नहीं रहने देता। यो क्या बने हुए? आंवला, हरड़, बहेड़ा, गौमूत्र में तीनों को मिक्स करके भिगोया जाता है 5 दिन के लिए, उसके बाद में फिर इसको सुखाया जाता है छाया में, धूप में नहीं, छाया में सुखाया जाता है, सूखने के बाद में उसको पीसा जाता है। तो खायो कैसे जाए? ये गर्म पानी से दिया जाता है पेट साफ करने के लिए। भाई कोई का भी कब्ज है तो भाई नॉर्मली भी ले इसका ही। हाँ, लेकिन ये मैंने बताया कि ये साधारण त्रिफला नहीं है, साधारण त्रिफला भी कब्ज को तो खत्म करता है, लेकिन ये तो बहुत पावरफुल है। अपा नॉर्मली भी लिया तो कोई दिक्कत को नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, चाहे एक चुटकी भर रोज ले लें, कुछ भी एक चम्मच भर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बैरिस्ट है, हम अपने में खुद से बनाते हैं इसको, ये पुनर्नवा, अच्छा, पेशेंट की इम्यूनिटी के लिए, तो ये सारी दवाइयाँ हम पेशेंट को देते हैं शुरुआत में। अगर पेशेंट हमारे पास आ सकता है तो यहाँ दे देते हैं, नहीं आ सकता है तो ऑनलाइन मंगवा सकता है, हमारे पास सारी फैसिलिटी है, कोरियर फैसिलिटी है। अठे आवे थारो मिले, बातचीत करे, थारकुन ट्रीटमेंट ले, तोड़ा को एड्रेस पतो बता दो पूरा। RR हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज अटेली, नारनोल रिवाड़ी, मेन रोड, अटेली मंडी, हरियाणा। एलोपैथिक है, एक आयुर्वेदिक है, क्या पर विश्वास कर? जब मैं तो आयुर्वेद पर विश्वास कर रहा हूँ, एलोपैथ कंट्रोल करता है, आयुर्वेद जड़ से ख़त्म करता है,
काफी लोगों को यह मानना है कि भाई फटाफट आराम आवे मारे। काफी नहीं, 90% लोगों का यही मानना होता है कि जैसे बाजीगर हथेली में फूक मार के रुपया बना देता है ना, कि ऐसे ही मैंने गोली ली और मेरी बीमारी बाहर। ऐसा कुछ नहीं, आयुर्वेद में समय लगता है लेकिन बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। देखा तो एक अंदर मैं जड़े तक देख पाई हूँ, वो गौमूत्र को बहुत ज्यादा काम मिली होगी। फाइल्स में गौमूत्र का कोई काम नहीं है, गौमूत्र कैंसर के लिए दिया जाता है। गो अमृत लिख रखे हुए लिख रखे हुए एक अंदर भी गौमूत्र को इस्तेमाल करी हुई है। हाँ, ये तो त्रिफला इसमें किया गया है, त्रिफला में किया गया है, इसमें गौमूत्र का इस्तेमाल किया गया है कि गौ माता के जो 5 प्रोडक्ट हैं वो अमृत है हमारे लिए। उपयोग करा तो कैसे करा? देसी गाय का गौमूत्र लें सुबह सुबह का, जो प्रेग्नेंट ना हो, ब्याहने वाली ना हो, ये कम से कम 1.5 महीने का वो देखना पड़ेगा आगे पीछे का हिसाब किताब। ब्याही हुई ना हो तो 1.5 महीना छोड़ना पड़ेगा। वो गौमूत्र सुबह सुबह कर लें, छान के हल्का गर्म करके और हम आधा कप हल्दी 1 चम्मच डाल के उसमें पी सकते हैं एक घुट्टी के तौर पर। हाँ जी। तो भाई अभी आप थोड़ा चाल से और अपना जो डॉक्टर्स ही मैं समझाऊंगा बताऊंगा। ये डायग्राम देखो आप, ठीक है, ये पाइल्स है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल पाइल्स, बाहरी। ये अंदर है, इसको बोलते हैं इंटरनल। ये दो तरह की होती है पाइल्स, ब्लड भी आता है इसमें, मवाद भी आती है। इसको देसी भाषा में या आयुर्वेद में जो भी कहें, इसको कहते हैं बाद्धि बवासीर। बाद्धि बाद्धि बाद्धि, हाँ, इसको कहते हैं खूनी बवासीर। अच्छा। तो ये मोस्टली लोगों को ये होता है। ये है फिशर, ये कट का निशान देख रहे हो ना आप, ये रेक्टम द्वार पे ये कट के निशान लग जाते हैं। इसमें ब्लड कम आता है, नहीं आता है, एक आध ड्रॉप आता है, बाकी ये दर्द बहुत करता है। ये फिस्टूला है, ये रेक्टम है, गुदा द्वार, इसके साथ से ये अगल बगल से आप ये टनल बनी हुई देख रहे हो ना, ऐसे टनल बन जाती हैं और यहाँ जख्म ये जख्म हो जाते हैं। तीनों तरह का इलाज हमारे पास संभव है। काउंसलिंग करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो हमसे शेयर करता है तो फिर हम उसको बता पाते हैं कि भाई आपका दवाइयों से इलाज नहीं होगा और आपको चार सूत्र से या अग्नि क्रम से करवाना पड़ेगा। अभी यो क्या के लिए बना रखे एक अलग? ये ओटी है पायलिस के पेशेंट को लिए। ये टेबल है, यहाँ लिटा के उसकी सिचुएशन देखी जाती है पेशेंट की। ये एक साधारण सर्जिकल थ्रेड है, आमतौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट को, ठीक है, इस धागे से उसको ऑपरेट किया जाता है। ये सर्जिकल धागा है, इस पर 21 बार कोटिंग की हुई है औषधियों की, इससे इलाज करते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि दोबारा होने के चांस नहीं होते, और वरना दोबारा भी हो सकता है। हाँ, हर सप्ताह इस धागे को बदला जाता है, जबकि इसको तो एक ही बार लगाया जाता है। एक बार जख्म भर देगा वो, ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा बनने के चांस होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ती, हफ्ते में 6 दिन में 7 दिन में ये दोबारा से उसको जब तक ठीक नहीं होता तब तक हम इसको बदलते रहते हैं। ये चार सूत्र का हमारा सिस्टम है। कितना डॉक्टर ही और कैसे? दो डॉक्टर है हमारे पास। हॉस्पिटल तो बहुत सारा ही, बहुत सारा लोग ही ट्रीटमेंट दी, पर थारो के कुछ एक अलग है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग आजकल बहुत जो है सोशल मीडिया पे भी वैसे भी एड चल रहे हैं कि भाई हम गारंटी से इलाज करते हैं, हम गारंटी से इलाज करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कहते। अगर अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेगा, दवाइयाँ टाइम से लेगा और ठीक से साफ सुथरे से अगर करवाएगा तो दोबारा बनने के चांस ही नहीं है, बनेगा ही नहीं, अपने आप में गारंटी है। यानी कि कोई चीज़ की गारंटी नहीं? हम हमारे काम हमारी औषधियाँ अपने आप में एक गारंटी है। जैसे कि बवासीर हुआ है, बवासीर के अंदर में खाना पीना को क्या ध्यान रखे जाए? डाइट तो अपना डाइट प्लान तो चेंज करना ही पड़ेगा आदमी को। फास्ट फूड कितने लोग खा रहे हैं? मुझे तो ऐसे लगता है कि सब ही फास्ट फूड के चक्कर में। फास्ट फूड नहीं है ये, मैं तो जंक फूड बोलता हूँ इसको, फास्ट फूड नहीं। फास्ट फूड तो कुछ और है, जैसे हमने फल फ्रूट खा ली, बने बनाए हैं, तैयार है, वो है फास्ट फूड। तो ये तो जंक फूड है जो सिर्फ नुकसान करते हैं। अब मैं सिर्फ एक मैदा के ऊपर बात करता हूँ। मैदा हमने 10 ग्राम खाई तो, 20 ग्राम खाई तो, 50 ग्राम खाई तो डाइजेस्ट तो नहीं होती, वो हथड़ियों से चिपकेगी, स्टूल के जरिए बाहर आएगी धीरे धीरे, पता नहीं वो महीने में आती है बाहर, हजम तो नहीं होती ना। वो पानी भी अगर गलत तरीके से पीते हैं सैकड़ों प्रकार की बीमारियां बनती हैं। खाने पीने पे ध्यान रखना चाहिए, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, दिनचर्या हमने सारी बदल दी है। पानी की तरीका पीवा?
पानी हमेशा बैठ के घूंट घूंट करके पीना चाहिए। कितनी भी बार पिए आप एक गिलास पानी को कम से कम 3 मिनट में पिए। पक्षी भी तो चोंच में पानी लेके घूंट घूंट करके पीता है ना, पशु भी पीता है ना, तो जानवर हमसे ज्यादा समझदार है। कुत्ता भी या कोई और जानवर भी जितना मर्जी बड़ा जख्म हो जाए उसको चाट के ठीक कर लेता है। हम ऐसा कुछ नहीं करते। बुजुर्गों ने कहा था कि कोई एलर्जी हो जाए, दाद हो जाए, खुजली हो जाए, कुछ नहीं, बासी थूक लगाओ ठीक हो जाएगा बेटा। बिना घड़ी के समय देख लेते थे, बता देते थे रात को 2:10 में है बेटा, अभी दिन नहीं निकला है सो जा। आज घड़ी होते हुए भी समय नहीं बता पाते। पुराने लोग थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बेवकूफ़ नहीं थे। वेस्टर्न कल्चर में फंसे ना, वेस्टर्न रहे ना ईस्टर्न रहे, बीच में रह गए। खाना की बात करा तो आजकल डाइनिंग टेबल चल रही है, बीक ऊपर खानो ज्यादा चावी की में डाइनिंग टेबल पर खावा थोड़ा सा। हमेशा जमीन पे बैठ के खाना चाहिए, पलौथी मार के खाने का तरीका तो ये है। लोग 12-12 बजे खाना खा रहे हैं, 12 बजे रात को खाना खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं, कब पचेगा वो खाना? एक समय का खाना पचाने के लिए चाहे हमने कितना भी खाया है 7 से 8 घंटे का समय चाहिए होता। और हमारी जठरग्नि सुबह और शाम, सूरज छिपने से पहले और सुबह सूर्य उगने से 2 घंटे तक बढ़िया तरीके से काम करती है। इस टाइम का अगर हमने खाना खा लिया तो बहुत आराम से पचेगा। ये सुबह और शाम की नेचुरल भूख भी यही है। दिन में हम लंच बॉक्स टिफिन बॉक्स लेके चलते हैं, वो नेचुरल भूख नहीं है। उस टाइम अगर हम पानी भी पी लेंगे तो हमारी भूख ख़त्म हो जाएगी, लेकिन सुबह शाम में हम पानी जूस दूध वगैरह लेंगे तो हमें डाइट लेनी ही पड़ेगी, भूख ख़त्म नहीं होगी, ये है नेचुरल वो। लास्ट में जाता जितने भी दर्शक देख रहे हैं मान के कुछ कहना चाहूँगा थे। मैं तो यही कहना चाहूँ भाई कि अपने जो है डाइट प्लान भी चेंज करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे सोना है, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखो, ब्रह्म मुहूर्त में सो के उठो और उसके बाद में जो है जैसे दिनचर्या है उसको फॉलो करो। देखिए एक पेशेंट मेरा था जो कि उसको बवासीर हुआ था, बवासीर होने के बाद वो बिलेनियम रूप ले लिया, उसको फिर पटना में एडमिट कराए, पटना में उसका ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने के बाद फिर कुछ दिन ठीक रहा, इसके बाद फिर उसको तकलीफ हुई तो फिर पटना में उसको ट्रीटमेंट कराए, इसके बाद फिर क्या हुआ उसने कैंसर साबित कर दिया और केमो भी चढ़ाए, वापस बोला अपना ले जाओ तो घर ले गए, वही थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ, इसके बाद यहाँ का एड्रेस कैसे मोबाइल के द्वारा हम लोगों को पता लगा, इसके बाद मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, वहाँ से मैं रिश्तेदार वहाँ से फ़ोन किया कि वहाँ जा सकते हैं, तो मैं कहा बिल्कुल जा सकता हूँ, तो फिर वो एड्रेस के बाद मैं यहाँ आए और 4 मार्च को यहाँ दवाई लेके, जिस कारण से दवाई के कारण से ही मतलब जो कि अभी 20% सुधार है। अब फिर मैं अपना दवाई लेने के लिए डॉक्टर साहब के यहाँ आया हूँ और इनका दवाई से मुझे लाख लाख शुक्रिया करता हूँ। सब जितने भी सज्जन हो आकर के आप यहाँ दवाई ले जाएँ और अपना उपचार करें और अपना फ़ायदा उठाएँ। थारा जो सुझावी के कुछ थे सोच रहे हो दिल दिमाग में थारा जो चल रहे वो कमेंट करके जरूर बताओ, वीडियो ज़्यादा में ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जय।